नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूं इन्फॉर्मेशन जो मैं खुद पढ़ रही हूं, दैट भारतीय जनता पार्टी ने एक टूल किट एक्सपोज करी है थ्रू इट्स मिनिस्टर्स। ये टूल किट है कांग्रेस की टूल किट, और इस टूल किट के अंदर प्लान था टू डिफेम द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर ऑब्वियसली द कोविड इश्यू। यहां पर हेडिंग्स दी जा रही थी टूल किट के अंदर, हाउ टू कॉर्नर नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मिसमैनेजमेंट, और बताया जा रहा था कि किस प्रकार से जर्नलिस्ट का सहयोग लेना चाहिए, नेशनल जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एंड बॉलीवुड के अंदर लाइक माइंडेड पीपल का सहयोग लेना चाहिए टू काइंड ऑफ स्प्रेड दिस थॉट प्रोसेस। अब टूल किट के ऊपर डिस्कशन हुई जब ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट शेयर करी थी कि किस प्रकार से फार्मर्स आंदोलन जो भारत में हो रहा था, वो आंदोलन द्वारा किस प्रकार से भारत के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करनी थी। तो उस दौरान फार्मर्स आंदोलन दौरान ग्रेटा थनबर्ग का ये टूल किट शेयर किया गया था ट्विटर के ऊपर, और आज बीजेपी ने शेयर करी है ये टूल किट जो वो कह रही है कांग्रेस की टूल किट थी टू टारगेट नरेंद्र मोदी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट बीइंग एबल टू मैनेज द कोविड क्राइसिस। नाउ इसके ऊपर स्मृति ईरानी ने ऑब्वियसली ट्वीट किया है, कहा है कि कैसे राहुल गांधी इज यूजिंग द टैक्टिक ऑफ शेमिंग हिंदू, ब्लेमिंग हिंदू, ही इज टारगेटिंग द कुंभ मेला एज द सुपर स्प्रेडर ऑफ कोविड, बिकॉज हम सबको पता था कि कैसे तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगाया गया था कि दे स्टार्टेड द स्प्रेड ऑफ कोविड लास्ट ईयर। तो स्मृति ईरानी ने ऑब्वियसली कहा है कि किस प्रकार से हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है बाय कांग्रेस इन ऑब्वियसली सेइंग दैट कुंभ मेला वाज द सुपर स्प्रेडर ऑफ कोविड इन द सेकेंड वेव। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि कैसे टूल किट में मेंशन किया गया था कि यू यूज वर्ड्स लाइक मोदी स्ट्रेन, क्वारंटाइन जयशंकर, मिसिंग अमित शाह, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमन अपने ट्वीट्स के अंदर, सो दैट आप ये ट्रेंड कर सको, सो दैट आप बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सको। साथ साथ में ये भी इंफॉर्मेशन है कि कैसे इस टूल किट के अंदर मेंशन किया गया था कि ब्रांड द प्रोजेक्ट एज वैनिटी प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सीक अ स्टे ऑन द प्रोजेक्ट। इन पैनल डिस्कशंस कॉल द प्रोजेक्ट मोदीज पर्सनल हाउस। ऐसा कांग्रेस के टूल किट में लिखा गया था वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत डिस्कशन हो चुकी है। मगर कांग्रेस की तरफ से एक दूसरा वर्जन आया है बाहर। वर्जन ये है कि उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करी है अगेंस्ट जेपी नड्डा प्रेसिडेंट बीजेपी, संबित पात्रा नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मिसेस स्मृति ईरानी यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीएल संतोष जनरल सेक्रेटरी बीजेपी। और ये एफआईआर में उन्होंने लिखा है कांग्रेस के नेताओं ने, इनफैक्ट द नेता ऑफ कांग्रेस विच हैज फाइल्ड द एफआईआर इज राजीव गौड़ा चेयरमैन रिसर्च डिपार्टमेंट एआईसीसी एंड रोहन गुप्ता चेयरमैन सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। इन्होंने कहा है कि ये जो कांग्रेस की टूल किट रिलीज करी गई है बाय बीजेपी नेताज, ये एक फेक लेटर हेड पे रिलीज करी गई है ऑन सोशल मीडिया टू क्रिएट कम्युनल डिसहार्मनी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और उन्होंने एसएचओ पीएस तुगलुक रोड दिल्ली को ये कंप्लेन लिखी है एंड रजिस्टर करने को बोला है एन एफआईआर। अब सच क्या है ये तो समय बताएगा, बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट भारत के अंदर वी नीड टू बी रियली मोर केयरफुल बिफोर रिएक्टिंग टू एनी न्यूज दैट कम्स ऑन सोशल मीडिया। अच्छा है मेरा ट्विटर उड़ गया, सो दैट मैं रिएक्शन एक या दो दिन के बाद दे सकती हूं, बिकॉज आई एम नॉट ऑन ट्विटर। तो जब तक वो न्यूज को मैं प्रॉपरली समझती नहीं हूं, आई डोंट रियली मेक अ वीडियो ऑन इट, और वैसे भी मैं लाइव वीडियोज बहुत कम बनाती हूं। तो सोच समझने के बाद रिकॉर्डेड वीडियोज जब मैं करती हूं तो ऑब्वियसली
संभावनाएं कम हो जाती है कि वो इन्फॉर्मेशन फेक है या जल्दबाजी में मेरी राय दी गई है, बिकॉज एक दो दिन चले जाते हैं, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाता है. सो आई एम रियली रियली होपिंग दैट पीपल स्टॉप रिएक्टिंग टू सोशल मीडिया ट्रेंड्स एंड अपडेट्स वेरी फास्ट, इवन दो इफ दे आर शेयर्ड बाय वेरीफाइड अकाउंट्स, बिकॉज फेक न्यूज सब जगह फैल रही है. पीपल आर ऑब्वियसली टारगेटिंग ईच अदर इन द नेम ऑफ COVID-19. यहाँ पर द पीपल हु आर डूइंग दैट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देम. सो बी काम इन योर डीलिंग्स, बी काम इन योर रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स टू एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज बींग रिलीज्ड ऑन सोशल मीडिया. न्यूज चैनल्स तो ऑब्वियसली जान बूझ के मुझे लगता है कभी कभार इतनी ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं, बट कोशिश करिए कि आप कोई भी न्यूज को बिलीव करने से पहले थोड़ा समय ले, लेट दैट न्यूज सिंक इन, लेट इट हैव 2, 3, 5, 6 आवर्स टू गो बाय बिफोर एक्सेप्टिंग दैट न्यूज टू बी द फाइनल ट्रुथफुल वर्जन, बिकॉज ट्रुथ कैन बी मिसकंस्ट्रक्टेड इन टूडेज टाइम ऑफ सोशल मीडिया. नमस्ते, जय हिंद.